काफ़ी फील्ड से मैं सोच रहा था क्यों ना आपको इनकी फार्मिंग भी दिखाऊं। यहाँ पे हमने विजिट किया है जो इनकी सिटी है, यहाँ पर वो कीड़े की काश्त करते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो टेम्परेचर के लिए उन्होंने यहाँ पर इंतज़ाम किया है, मतलब कि यहाँ पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये आलू हैं और दूसरी साइड पर है ब्रॉड बीन्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने उगाए हैं ब्रॉड बीन्स। यहाँ पर सलाद जो है उसको उगाते हैं और सलाद यहाँ पर काफ़ी महंगे होते हैं। जो ये अभी हमारी तरफ आ रहे हैं, ये थोड़ा एग्रेसिव होते हैं और ये हमला करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पोलिश ट्रेल्स विद जिमिनी। मैं हूं अवेस खान, पोलैंड वर्सा से। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। तो आज हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए हैं जो कि बेसिकली फार्मर्स है और उनकी काफ़ी ज़मीनें हैं यहाँ पर और वो फार्मिंग ही करते हैं। उनका ज़रिए माश जो है वो फार्मिंग से है, तो इनकी काफ़ी फील्ड से मैं सोच रहा था क्यों ना आपको इनकी फार्मिंग भी दिखाऊं। यहाँ पे हमने विजिट किया है जो इनकी सिटी है प्योत्सको ट्रिब्यूनल्स की, जिसको बोलते हैं, जो कि एक हिस्टोरिकल सिटी भी है। इंशाल्लाह बाद में उसमें वीडियोस बनाएंगे, पहले हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो किस तरीके से वो फार्मिंग करते हैं। अभी हम यहाँ पर इंटर हो रहे हैं, यहाँ पर वो कीड़े की काश्त करते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो टेम्परेचर के लिए उन्होंने यहाँ पर इंतज़ाम किया है, मतलब कि यहाँ पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सर्दी जब ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये हीटिंग सिस्टम का इंतज़ाम यहाँ पर किया होता है। ये सब पोलिश में उगुरक बोलते हैं, जो है क्यूकम्बर कीड़ा। यहाँ पर इसको पोलिश में रुकोला बोलते हैं और स्पिनाच जो है, स्पिनाच साग और रिकोला यहाँ पर है, वो ये उगाते हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर उसको शिफ्ट करते हैं बड़े जो उनके फार्म है दूसरी साइड पर। ये आलू हैं और दूसरी साइड पर है ब्रॉड बीन्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने उगाए हैं ब्रॉड बीन्स, जो कि अभी इनको थोड़ा टाइम लगेगा इनको ग्रो होने में। अभी पूरा सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ये लोग जो है वो साला साल यही काम करते हैं, तो उसके लिए जो है अभी इसका सीज़न पूरा स्टार्ट नहीं हुआ। अभी ये ग्रो हो रहे हैं जो टोमेटोज़ है, क्यूकम्बर्स है, सलाद है। सलाद तो अभी तकरीबन रेडी हो चुके हैं। एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है, यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि किसी बंदे के पास उसकी क्वालिफिकेशन हो, तो उसके बाद ही वो एग्रीकल्चर कर सकता है। इस छोटी जी मशीन को ग्रेजाल का बोलते हैं। ये नॉर्मल मतलब है कि आप यहाँ अंदर तो ट्रैक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ज़मीन की खुदाई के लिए और उसको फिर काश्त के काबिल बनाने के लिए इस छोटी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी कीमत तकरीबन यहाँ 3 से लेकर 4 हज़ार जलोते तक बनती है इस छोटी सी मशीन की कीमत। अच्छा, यहाँ पर ये ग्रीन ऑनियन है, इस साइड पे ग्रीन ऑनियन ये ग्रो करते हैं और उस साइड पर जो अभी हमने देखा था उसको वो रेड बीट थे। अच्छा, ये अब यहाँ पर जो बुराकी है, रेड बीट है, वो यहाँ पर ग्रो हो चुका है। जब ये ग्रो हो जाते हैं फिर उसको शिफ्ट किया जाता है प्रॉपर दूसरे सेक्शन में, जहाँ पर इसको टेम्परेचर में प्रॉपर टेम्परेचर में रखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर कैरेट्स को ग्रो किया जाता है, देख सकते हैं ये कैरेट्स का सेक्शन और ये इनकी जो जमीन है इस साइड पर है, ये सब आप देख सकते हैं ये इनकी जमीन है, तो इस पर ओट यहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है।
इनकी काफ़ी सारी ज़मीन है जिसमें उन्होंने सेल भी कर दी, अभी इनकी मतलब है कि उसमें भी थोड़ी रह गई है, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ फिर इसकी वो सही देखभाल नहीं कर सकते हैं, और जो न्यू जनरेशन है तो वो जॉब्स सर्च करने में लगे होते हैं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसी वजह से जितना ही मैनेज कर सकते हैं अभी इस टाइम में वो इतना ही ग्रो कर रहे हैं। और ये इनका एक छोटा सा ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर पे ये अपनी ज़मीनों की देखभाल करते हैं। यहाँ इन पे औजार यहाँ इस साइड पे है, ये इनके जो ट्राली है जिसमें चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये इनका मकान है इस साइड पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग रहते हैं जो कि दो तीन फैमिलीज इकट्ठी यहाँ इस मकान में रहते हैं। अच्छा वो जो आप देख रहे हैं बड़े डग से, ये खतरनाक होते हैं, ये हमला भी करते हैं, और ये अभी हमारी तरफ आ रहे हैं, ये थोड़ा एग्रेसिव होते हैं और ये हमला करते हैं। Okay, sotto da avanti. Dobra. Da sotto, a fare il da davanti. Dobra. Dobra, 5 barzo. 5, eh? Non ci sono da 5. Dobra, 5 barzo. 5. 5. इन्होंने मुझे काफी सारी वेजिटेबल्स भी दी और एग्स भी दिए। जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो ये लाजमी हमें गिफ्ट देते हैं यहाँ, मतलब कि जो उस टाइम इनके पास जो ग्रो होता है और एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल होते हैं तो लाजमी ये हमें गिफ्ट देते हैं। इनके पास चिकन भी हैं, वो भी ऑफर कर रहे थे, लेकिन इस टाइम नहीं। काफ़ी ट्रेडिशनल लोग हैं और विलेज में आके काफ़ी मज़ा आता है इनके पास, इनके सारी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ देखने को मिलती है।